तो वो अहमदाबाद में रहता था। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में। तो मैंने सोचा यार मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हैं। बड़े बड़े बिलियनर्स ने, दुनिया के जेफ बेजोस ने मैकडॉनल्ड्स में जॉब करी, बास्किन रॉबिंस में आपके रिचर्ड ब्रेंसन ने नौकरी करी। तो मैंने कहा चलो यहाँ टाइम पास तो हो जाएगा। उन्होंने 37 रुपये घंटा में मेरे को जॉब पर रख लिया और मैं वहाँ पर स्वीपर बन गया। जो आप लोग बर्गर फ्राइज छोड़ के खाते हो ना, वो मैं रख के डालता था। मेरे को काम से कोई शर्म नहीं है, क्योंकि काम काम होता है। रिचा में आप भी एक जर्नलिस्ट है, आप इतने अच्छे औहदे पे आप भी काम ही कर रहे हो। मैं एक चाय वाला भी काम कर रहा है, प्यून भी काम कर रहा है। काम काम होता है। डिफरेंशिएशन वो लोग करते हैं जिसको काम नहीं करना है। सही बात है, ठीक है। तो मैंने कहा मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते हैं। 37 रुपये घंटे में मेरी नौकरी लग गई। अब उसका भी एक किस्सा है। 4 मैकडॉनल्ड्स में मैं गया, मैंने बोला कि मैं MBA करने गया था, तो उन्होंने मेरे को नौकरी नहीं दी। उस मैनेजर को ये डर था कि ये कल को मेरी जॉब, ये इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, तो मेरी जॉब हथिया लेगा। तो मैं 5वें मैकडॉनल्ड्स में जाके मैंने बोला मैं 10वीं पास इंसान हूँ, मेरे को नौकरी चाहिए, मैं गरीब परिवार से हूँ, निर्धन परिवार से। ऑल्दो आई एम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, मैं निर्धन परिवार से हूँ, मेरे को नौकरी दे दो। तो उन्होंने बोला चलो स्वीपर का काम, मतलब स्वीपर तो नहीं बोलूँगा मैं, उसको बोलूँगा वेटर का काम बोलूँगा। तो मैंने वो काम किया, चालू किया। अब 4 महीने हो गए, मैं सब सीख गया। मैं स्टूडेंट कम, मैं क्यूरियस स्टूडेंट ज़्यादा रहा हूँ, किताबों से ज़्यादा सवालों में ज़्यादा कि रिचा अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये लाइट्स कैसे चलती है, कैमरा कैसे चलता है। तो ये क्यूरियोसिटी ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया और मैं बन गया वहाँ पे मैनेजर का पेछे वाला, असिस्टेंट मैनेजर। ऑर्डरिंग लेना, अब आपको पता है आप छोटे छोटे बर्गर लेने आते हो, हम कैसे 450-500 का बिल पकड़ा देते थे। मैकडॉनल्ड्स ने सिखाया जो चीज़ मैं आज करने की सोच रहा हूँ। 1950 में वो कर चुके, सोचो कितनी आगे है दुनिया। तो वो सीखा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का कुछ चालू करूँ, मैं कब तक नौकरी करूँगा। तो मैं इसका बोलता हूँ कि लोगों की परछाई बनने से अच्छा है अपनी घर की चाय की दुकान। तो मैंने कहा खुद का अपन कुछ चालू करते। तो क्या चालू करें? तो रेस्टोरेंट खोल सकता था मैं, कैफ़े बना सकता था, बड़ा सा डाइनिंग। मतलब मैंने कहा नहीं यार, ऐसी कोई चीज़ पकड़ूंगा जो पूरे इंडिया को यूनाइट करे। देखो पंजाब का पराठा पूरे इंडिया में नहीं चलता है, खाते हैं शौकिया तौर पर। समोसा पूरे इंडिया में नहीं चलता है, वड़ा पाव पूरे इंडिया में नहीं चलता, पर चाय एक ऐसी चीज़ है पूरे हिंदुस्तान में हर समय हर जगह होती है। अलग अलग स्वाद की हो भले, पर चलेगी। जैसे हम लोग चाय पे बैठे, कोई कड़क मीठी पीता है, कोई साधारण पीता है, कोई ऊंची पीता है, मतलब इट डिपेंड्स, इट डोकेबल है। तो चाय, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है हिंदुस्तान में पूरे हमेशा हर जगह होती है। अच्छा हो, बुरा हो, गलत हो, कुछ भी हो, डील हो रही हो, कोई दंगे हो रहे, चाय तो इज ऑलवेज बी देयर। तो उनके चाय को पकड़ लो, अपन ने जीवन पकड़ लिया चाय का। इंडिया रन सुन चाय, उनके चाय पकड़ते ताकि पूरे इंडिया में एक्सपांड कर सकूँ। तो उन्होंने सर क्या करूँ भाई, ठीक है बड़ा रेस्टोरेंट डालने का सोचा। फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, पापा से 15-20 लाख रुपए लेके मैं डाल सकता था। पर मैंने क्यों नहीं, मेरी उम्र तो 20.5 साल की थी ना उस समय। उनके क्यों ना भाई अभी से मैं सेड बनने की कोशिश करूँ। मैं क्यों सेड बन रहा हूँ? अभी युवा क्या करता है, पहले दिन से सेड बनता है। पापा इन्वेस्ट करा दो, 4 नौकर रख लिए, ऐसा कर वैसा, वो खुद कुछ नहीं सीख रहा है। आप 20-21-25 तक हो ना, आपको सब चीज़ खुद से करते आनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके खुद के धंधे में आप झाड़ू नहीं लगा सकते हो तो आपको उसका मालिक बनने का हक नहीं है। तो उन्हें खुद करूँगा। और मैंने सोचा आप क्या करें, तो छोटा चालू करते। तो मैंने सोचा चाय का ठेला। रिचा मैम डेस्टिनी देखो, मैंने जिस समय सोचा कि चाय का ठेला चालू करूँगा, उसके समय बर्तन की दुकान थी उस एरिया में, और मैं घुस गया। तपेली ले ली, चाय छन्नी ले ली, 2-3 आइटम ले लिए, केटल ले ली। मैंने ये ले लूँगा, ये घर में पड़े रहेंगे मेरे रूम में, तो मेरे को प्रेशर आएगा कि यार अब सामान लेना है। ये बाकी कोई भी चीज़ करना हो ना लाइफ में, जैसे बड़ी इमारत बनानी हो तो आज की 4 ईंट वहाँ लाके रख देना, अपने आप ख्याल आएगा कि कल रेत लानी, परसों सीमेंट लानी, सरिया लाना है। आप समझ रहे हो? लोग सोचते इमारत कैसे बनेगी, अरे तू इमारत की मत सोच, तू आज की 4 ईंट लाके रख दे। क्या बात है। तो वो मैंने सोचा। तो मैंने चाहे वो सामान खरीद लिया। मैंने अब अपनी कहानी चालू होती है। अब आपको बताऊँ, अपन बहुत अच्छे परिवार से रिचा। मैं आपको बोलूँ कि आप पानीपुरी का ठेला डालोगे, आप नहीं डालोगे, नहीं डाल सकते। आप डाल सकते हो अलग बात है, पर डालोगे नहीं डालोगे अलग कहानी। 50 दिन लगे वो सामान को इकट्ठा, तो 5 दिन में कर लिया। और वो हिम्मत, वो ऐसी टेबल लेना, उस पर जाके चाय बनाना पसीने में। चलो 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए बनाना कोई इवेंट में, तो चलो शौकिया तौर पे बच्चे बना लेते हैं। आजकल स्कूलों कॉलेजों में इवेंट्स होती है, पर रेगुलर करना उस जगह पे जहाँ पे मच्छर है, पानी आ रहा है, कोई आके लोग चिल्ला रहे हैं, समझ रहे हो। पर मेरा ड्रेस कोड हमेशा से ऐसा रहता था, बातें अच्छी करता था। तो मेरा चाय का ठेला 50 दिन लगे मेरे को वो साहस पैदा करने में कि अब मैं चाय का ठेला के लिए रेडी हूँ। पहले दिन चाय बनाते, कभी घर में भी ना, कभी घर में चाय बनाई ना, कभी घर में झाड़ू लगे। पहले दिन चाय जली, अदरक ज़्यादा, शक्कर ज़्यादा, चाय पत्ती का, वो सब हो गया। बट मैंने जितनी पढ़ाई कैट जीमेट की पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जियो पोलिटिकल पढ़ा था, दुनिया देखी थी, दुनिया सीखी थी, वो सब मैंने चाय बेचने में लगा दी। तो क्या हुआ, मैंने शुरू दिन से सर्विंग कैसा किया, ट्रे लिया, टिश्यू पेपर, एक रस, एक विजिटिंग कार्ड जिसपे कुछ अच्छी कहानी लिखी होती, छोटा होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, अटल लगे रहो, ऐसे छोटे छोटे कोट्स, पॉजिटिव कोट्स। तो वो लगा और टोस्ट और ऐसे करके मैं सर्व कर देता। तो पहले दिन कोई लोग नहीं आए। ऐसा चाय का ठेला मैंने साइड में चालू किया। अब मेरे पास कोई आएगा थोड़ी, मेरे को 4 सिंह थोड़ी कि मेरे पास लोग आएंगे। अब जैसे आप कार में बैठे हो, तो मैं लोगों के पास गया, आपका कांच बंद, AC चल रहा, हाय तो कांच नीचे आया। Hey, my name is Praful Billore. I started my chai ka business today only. Would you like to taste my? I make awesome chai. That's how I started my pitch. तो इसमें एक सीख है कि लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास चले जाओ भाई, किसी एक को तो आना जाना पड़ेगा, नहीं तो संवाद ही नहीं होगा, कन्वर्सेशन नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो मैं ऐसे करके चले गया। शुरू दिन मैंने 10 चाय बेची, एक चाय की कीमत थी 30 रुपये, 300 रुपये का धंधा किया। चाय इतनी शिद्दत से बनाई थी और इतनी शिद्दत से मैं सर्व करता था जितनी शिद्दत से ना आपकी पत्नी ना आपकी माँ ने आपको चाय पिलाई होगी, इतनी इज्जत से। लोगों को पसंद आई, तो जिसे मैं आपको बोलूँ कि हे रिचा, आई स्टार्टेड माय चाय का बिजनेस, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी, तो आप बोलेंगे चाय वाला कौन है रोड पे? भाई कोई बड़े कैफे से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, वो तो बोलेगा, बट एक रोड साइड चाय वाला पानी पूरा अगर अंग्रेजी में आपसे बात करें तो यू वुड बी शॉक्ड टू नो, अरे भाई तुम्हारी कहानी, और ट्राई करना चाहेंगे। सो वो 10 लोगों ने पूछा, ये सब बातें चल रही है, तो वो 10 लोग वापस अगले दिन आ गए। सिंस मेरा 9 से 3 मैगलोनास में जॉब होता था, मैं शाम को 6:30 7 बजे से रात की 12 बजे तक लगाता था, फिर अगले दिन बोलता